तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं आरजीवी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। तो आज इस सारे भ्रम से आपका पर्दा उठ जाएगा फ्रेंड। कहीं ना कहीं एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए आपको पता है कि आपका सीनियर जो है सिक्स सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, उनका एग्जामिनेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म लाइन उनका क्लोज हो चुका है, सारी चीज़ यहाँ पर क्लोज दिख रहा होगा, क्लियर। तो आपके जो अब आने वाला एग्जामिनेशन है, बस आपका फोर सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है। अब जब टाइम टेबल अपडेट कर दिया जाए, यानी ये मान के चलिए कि फोर सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जून आपके सेकंड वीक के बाद स्टार्ट होगा। अब जब स्टार्ट हो जाए, ये नहीं कि जुलाई में स्टार्ट होगा, इस भ्रम में आप मत रहिएगा। आपके एग्जामिनेशन जून में ही स्टार्ट होंगे, और आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है वो आपका जुलाई में स्टार्ट हो सकता है, सेकेंड वीक के बाद। तो कहीं ना कहीं ये एक अपडेट है जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो उसके रिगार्डिंग आप अपने टाइम टेबल को फिक्स कीजिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से इक्विवेलेंट बांट दीजिए, और बांटने के बाद हर सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और आप हर संभव प्रयास कीजिए कि आपका बैक ना लगे। और इसके बावजूद भी अगर बैक लग जाता है तो उसके लिए आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिर पढ़ना है, पढ़ के फिर आप पेपर की क्लियर कर सकते हैं, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और कोई भी स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए, या फिर स्टडी मटेरियल जो भी आपको चाहिए फोर्थ सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप PDF वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।